फिजा 2024 के लिए बिसात बिछ चुकी है। फिजाओं में चुनावी रंग साफ नजर आने लगा है। पहले चरण का नामांकन का काम पूरा हो गया है। पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इस बार का लोकसभा चुनाव बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए और विपक्षी पार्टियों के इंडिया ब्लॉक के बीच हो रहा है। पहले चरण की 102 सीटों में 77 पर बीजेपी लड़ रही है, जबकि 23 सीटों पर एनडीए की दूसरी पार्टियां मैदान में हैं। इसी तरह इंडिया ब्लॉक ने भी पहले चरण की सीटों पर उम्मीदवारी के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस को 57 सीटें मिली हैं। पहले चरण के चुनाव में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 19 अप्रैल को होने वाले पहले चरण में तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र की 5-5, बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में 1-1 सीटों पर मतदान होगा। तमिलनाडु की सभी सीटों पर एक ही चरण में मतदान होना है। पहले चरण में तमिलनाडु की सभी 39 और पुडुचेरी की 1 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में नामांकन का काम पूरा हो चुका है। करीब 1,403 उम्मीदवारों ने आम चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। तमिलनाडु में 6.18 करोड़ कुल मतदाता हैं। इसमें से 3.14 करोड़ महिला और 3.03 करोड़ पुरुष मतदाता शामिल हैं। वहीं राजस्थान में भी इस बार दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला तय है। पहले चरण में राजस्थान की 12 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए 130 से अधिक उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। जयपुर ग्रामीण सीट से सबसे ज्यादा 17 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल किए गए हैं, जबकि जयपुर, चुरू और सीकर से 16-16 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। जिन सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान होगा उनमें गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर नामांकन का काम पूरा हो गया है। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की 8 लोकसभा सीटों के लिए कुल 201 नामांकन दाखिल किए गए हैं। पहले चरण में नामांकन के अंतिम दिन 155 प्रत्याशियों ने पर्चे भरे। हालांकि रामपुर और मुरादाबाद में नामांकन के आखिरी दिन समाजवादी पार्टी की उठापटक देखने को मिली। पहले चरण में संजीव वालियान, इकरा हसन, जतिन प्रसाद, राघव लखनपाल और इमरान मसूद जैसे राजनीतिक चेहरों पर दाव लगा रहेगा। पहले चरण में उत्तर प्रदेश की जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना सुरक्षित सीट, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत शामिल हैं। प्रथम चरण में सीटों पर कुल 1.43 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 76.2 लाख पुरुष और 67.14 लाख महिला हैं और 824 थर्ड जेंडर हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में प्रदेश की इन 8 सीटों में से बीजेपी को 7 सीटों पर सफलता मिली थी। वहीं बीएसपी 1 सीट जीतने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश की 29 में से 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से नोटिफिकेशन का काम पूरा हो गया है। मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर अब तक 113 प्रत्याशी नामांकन कर चुके हैं। नामांकन दाखिल करने के आखिरी दिन 64 उम्मीदवारों ने सभी सीटों पर नामांकन दाखिल किया। पहले चरण में सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा के लिए वोट डाले जाएंगे। बीजेपी ने मंडला से केंद्रीय मंत्री कुलस्ते को फिर से मैदान में उतारा है, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार पूर्व राज्य मंत्री ओमकार सिंह मरकाम है। बीजेपी ने सीधी में एक नया चेहरा राजेश मिश्रा को मैदान में उतारा है, जहाँ कांग्रेस ने पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल को टिकट दिया है। वहीं छिंदवाड़ा सीट से मौजूदा सांसद नकुलनाथ ने फिर नामांकन किया है, तो वहीं बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट थी जो 2019 में कांग्रेस ने जीती थी। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन का काम पूरा हो चुका है। नामांकन के आखिरी दिन उत्तराखंड में 37 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। इस तरह 5 लोकसभा सीटों पर कुल 63 नामांकन आए हैं। यहां सभी 5 लोकसभा सीटों पर पहले चरण में यानी 19 अप्रैल को चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग के मुताबिक यहां टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है। इस बार राज्य में
85 साल से अधिक आयु के मतदाताओं को अपने घर में ही मतदान की सुविधा देने की कोशिश होगी। असम में 14 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल से 3 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण की 5 सीटों के लिए नामांकन भरने का काम पूरा हो गया है। असम में लोकसभा के पहले चरण के लिए कुल 38 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के आखिरी दिन कुल 26 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भरा। पहले चरण में काजीरंगा, सोनितपुर, डिब्रूगढ़, लखीमपुर और जोरहाट में 19 अप्रैल को मतदान होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी समर में महत्वपूर्ण राज्यों में महाराष्ट्र का नाम भी आता है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं, जहां 5 चरणों में चुनाव होंगे। ये पहली बार है जब महाराष्ट्र में 5 चरणों में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को 5 सीटों पर होगा। पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उनमें रामटेक, नागपुर, भंडारा गोंडिया, गढ़चिरौली चिमोर और चंद्रपुर शामिल हैं। इसमें रामटेक और नागपुर सीट को छोड़ दिया जाए तो भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली और चंद्रपुर सीट को नक्सल प्रभावित माना जाता है। वहीं बिहार में पहले चरण में जिन लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है उनके लिए नामांकन दाखिल करने का काम पूरा हो गया है। बिहार की 40 में से 4 लोकसभा सीट पर मतदान प्रथम चरण में होगा। इस चरण में राज्य की गया, नवादा, औरंगाबाद और जमुई सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में जिन 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है उनमें कूच बिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी लोकसभा शामिल हैं। पहले चरण में 19 अप्रैल को उत्तरी पश्चिम बंगाल के 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव में केंद्रीय बलों की लगभग 250 कंपनियां तैनात की जाएंगी। हर जिले में एक कंट्रोल रूम होगा और वरिष्ठ अधिकारी उसके प्रभारी होंगे। इसके अलावा पहले चरण के तहत अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय की 2-2 और छत्तीसगढ़, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप और पुदुचेरी में 1-1 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के नामांकन का काम पूरा होने के बाद दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। इसके साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौर के लिए नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 4 अप्रैल है। 11 राज्यों में नॉमिनेशन फॉर्म की जांच 5 अप्रैल को होगी, जबकि जम्मू कश्मीर में 6 अप्रैल को होगी। उम्मीदवार 8 अप्रैल तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण के लिए वोटिंग 26 अप्रैल को होगी। दूसरे चरण में लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान वाले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 88 संसदीय क्षेत्रों में मतदान होगा। इसके साथ ही बाहरी मणिपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 2 चरण में वोटिंग है। इसके 15 विधानसभा क्षेत्रों में पहले चरण और 13 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में वोट डाले जाएंगे। दूसरे दौर में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल है। जम्मू कश्मीर की जम्मू सीट पर दूसरे चरण में मतदान होना है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर लोकसभा क्षेत्र पर मतदान होगा। इसी चरण में मध्य प्रदेश में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद, बैतूल सीट भी शामिल है। दूसरे चरण में महाराष्ट्र की बुलढाणा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़, परभणी सीट पर वोटिंग होगी। बिहार में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका सीट पर दूसरे चरण में मतदान होगा। असम में दूसरे चरण में 5 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें दारंग, उदालगुड़ी, डिफू, करीमगंज, सिलचर और नगांव शामिल है। त्रिपुरा में राज्य की त्रिपुरा पूर्व सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होगा। कर्नाटक में 14 लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में चुनाव 26 अप्रैल को होगा। इसमें उडुपी, चिकमंगलूर, हासन, दक्षिण कन्नर, चित्रदुर्ग, तुमकुर, मंडया और मैसूर सीट शामिल है। इसके साथ ही चामराजनगर, बेंगलुरु ग्रामीण,
बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु साउथ, चिकबल्लापुर और कोलार भी हैं। केरल में दूसरे फेज में 26 अप्रैल को चुनाव है। यहां 20 सीटों पर एक साथ ही एक दिन वोटिंग होगी। राज्य की लोकसभा सीटों में कासरगोड, कन्नूर, वडाकरा, वायनाड, कोझिकोड, मलपुरम पोन्नानी, पलक्कड़ और अलाथुर सीट है। इसके अलावा त्रिशूर, चलाकुड़ी, एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टायम, अलपुझा, मविल्लिकारा, पाथानामथिट्टा, कोल्लम, अट्टिंगल और तिरुवनंतपुरम है। राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में मतदान होना है। इसमें टोंक, सवाई माधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही सीटें हैं। इसके साथ उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा और झालावाड़ 12 शामिल हैं। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों में वोटिंग होनी है। इनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलंदशहर और मथुरा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 3 लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। राज्य की दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट लोकसभा सीट पर मतदान होगा। दूसरे चरण की मतगणना भी 7 चरणों के साथ 4 जून को होगी। आइए अब आपको बताते हैं कि कौन लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। उम्मीदवार की पात्रता की बात करें तो उसे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम 25 वर्ष होना अनिवार्य है। भारत के कानून के अनुसार वो शख्स जिसे किसी भी केस में 2 साल या उससे अधिक की सजा हुई हो वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है। भारत के लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 4D के अनुसार वो शख्स जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। नामांकन के समय और प्रक्रिया की बात करें तो नामांकन भरने की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलेगी। दोपहर 3 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को एंट्री या दस्तावेज लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नामांकन भरने के लिए पहुंचने वाले प्रत्याशी के साथ 4 व्यक्ति आ सकेंगे, यानी प्रत्याशी समेत कुल 5 व्यक्ति ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में प्रवेश कर सकेंगे। नामांकन भरने पहुंचे व्यक्ति के काफिले में केवल 3 वाहनों को ही RO कार्यालय के 100 मीटर के क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। चुनाव में उम्मीदवारों की ओर से जमा किए गए नामांकन पत्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इसके खारिज होने के बाद आवेदक चुनाव नहीं लड़ सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत लोकसभा चुनाव 2024 के लिए नामांकन दाखिल करते समय सामान्य अभ्यर्थी को 25,000 रुपए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 12,500 रुपए जमानत राशि जमा करनी होगी। नामांकन भरने की निर्धारित पूरी अवधि में RO अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे और संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराएंगे। अभ्यर्थियों को नामांकन के समय सभी सुसंगत और आवश्यक दस्तावेज जैसे जमानत राशि का प्रमाण, प्रारूप A और B और शपथ पत्र आदि के साथ आना होगा। यदि अभ्यर्थी उसी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नहीं है जहां से वह चुनाव लड़ रहा है तो अभ्यर्थी को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली की प्रति या निर्वाचक नामावली से संबंधित भाग की प्रमाणित प्रति दाखिल करनी होगी। एक अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिए 4 नामांकन पत्र दाखिल कर सकता है और अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। संविधान और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है।
बशर्ते कि उसके पास उस निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की योग्यता हो, यानी वह चुनाव लड़ने के लिए संविधान या अन्य कानूनों के तहत अयोग्य नहीं ठहराया गया हो। केवल वही व्यक्ति जो उस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक है जिसमें उम्मीदवार चुनाव लड़ता है, उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव कर सकता है और नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर कर सकता है। यदि उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा है तो निर्वाचन क्षेत्र के केवल एक निर्वाचक को उम्मीदवार के नाम का प्रस्ताव करना आवश्यक है। लेकिन यदि उम्मीदवार पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा स्थापित उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ता है या एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, उस स्थिति में निर्वाचन क्षेत्र के 10 निर्वाचकों को प्रस्तावक के रूप में नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ ये घोषणा करनी होती है कि वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से है। एक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक उम्मीदवार या उसकी ओर से अधिकतम 4 नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 84 और 173 के अनुसार एक उम्मीदवार को संविधान की 3री अनुसूची के तहत निर्धारित प्रपत्र में इस आशय की शपथ लेनी और हस्ताक्षर करना आवश्यक है कि उसे संविधान में सच्ची आस्था और अखंड विश्वास है और वो भारत की संप्रभुता और एकता का समर्थन करता है। रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन पत्र प्राप्त होते ही उसकी प्राप्ति की सूचना देनी होगी। नामांकन पत्र की प्राप्ति के साथ रिटर्निंग अधिकारी को उम्मीदवार को नोटिस देकर सूचित करना होगा कि नामांकन पत्र की जांच किस तारीख, समय और स्थान पर होगी और यह सलाह दी जाती है कि उम्मीदवार रिटर्निंग अधिकारी से ऐसी रसीद और नोटिस प्राप्त कर ले।